भूमि मामले में भोजपुर पुलिस पर कार्यवाही न करने व दबंगों से हमसाज होने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र। राजस्व विभाग की जांच में विगत एक वर्ष से फर्जीवाड़ा सिद्ध होने के उपरांत भी भोजपुर पुलिस द्वारा भूमि विवाद में कोई उचित कार्यवाही न किए जाने पर पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय में एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें मामले में कार्यवाही किए जाने की मांग की है। जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर नंदपुर नरका टोपा में रहने वाले दीपक शर्मा के मुताबिक थाना भोजपुर क्षेत्र के सिर सीमा गोड़ में जमीन है, जिस पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने की सूचना पीड़ित को मिली, तो पीड़ित ने कार्यवाही हेतु पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस द्वारा मामले में सही कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़ित ने राजस्व विभाग से जांच कराई, जिसमें विगत एक वर्ष के बाद भी दबंगों द्वारा किया गया फर्जीवाड़ा सिद्ध होने के उपरांत भी पुलिस द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की गई, जिस पर पीड़ित ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो आज दीपक शर्मा द्वारा जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें पुलिस द्वारा मामले की जांच होने के उपरांत भी पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जब पीड़ित दीपक शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया, आपका? मेरा दीपक कुमार शर्मा नाम है। मेरी कृषि भूमि भोजपुर थाना के अंतर्गत सुषमा दुराय पर है। उसमें एक पुलिस वाले ने 400 DC करके अपने चाचा से अपने नाम पे मेरी भूमि की रजिस्ट्री करा ली, जबकि ना तो उसके चाचा के नाम पर कोई ज़मीन, ना उसके कोई परिवार में उस काटा संख्या में, और उसे झूठ बोलकर तथ्यों को छुपाकर वो रजिस्ट्री करी है। उसने आधा किलोमीटर दूर दिखाई है और उसे जो है मेरी ज़मीन में और अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करा के उस पर कब्जा करके बैठ गया, जिसकी जो है मैंने रिपोर्ट करी, जगह जगह थाने में गया तो थाने वाले बोले हम अपने पुलिस वाले के खिलाफ क्यों कार्रवाई करें, ठीक है फर्जी हुआ है कंप्रोमाइज कर लो। उसके बाद मैं यहाँ पे SSP कार्यालय में आया, बोले जांच कराएंगे। जांच कराते कराते एक साल हो गया, मैं तहसील में गए, तहसील वालों ने स्पष्ट लिख दिया कि फर्जी है और ये कहा कि फर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो लिख सकते हैं और FIR करने का अधिकार जो है पुलिस वालों का है, थाने का है। और थाने में जाता हूँ तो कहते हैं कि राजस्व का है, और राजस्व पे मैं फिर SDM साहब के पास गया, SDM साहब ने स्पष्ट लिख दिया कि ये कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाए, तो वो ये कहते हैं कि हम तो 700 लगा देंगे बस, ये झगड़े की मैं कि मैं झगड़ा कहाँ करता हूँ, मैं यहाँ तो रहते भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, वो हमारा डिपार्टमेंट का, इसलिए हम उसके फेवर में ही रहेंगे। और जो है इसे कह के पुलिस विभाग ने और उससे मेरे खाली एक फर्जी मुकदमा दायर करा दिया कि जी ये ज़मीन जो है मैं छीनना हूँ उससे जाके, जबकि मेरी ज़मीन है और उसके फर्जी रजिस्ट्री कर दी और ये डाल दिया कि मैं ज़मीन छीनना चाह रहा हूँ और मैं उस पर कब्जा करना चाह रहा हूँ और जो है मुझे मालिकाना हक दिलाया जाए, जबकि ना तो उसके नाम पे ज़मीन है ना उसके नाम पर किसी प्रकार का उसमें मालिकाना हक है, और फर्जी तरीके से सारे तथ्यों के छुपा के मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। अभी आप कहाँ हैं? हाँ जी, अभी आप कहाँ हैं? अब मैं यहाँ DM साहब के पास आया, SSP साहब आज दोबारा नहीं मिले, मैं शुक्रवार को मिला था SSP साहब को, उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं कागजों की। DM साहब ने क्या कहा आपसे? DM साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है हम देखते हैं, और SSP साहब को मैं मिला था, मैंने कहा SSP साहब ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, एक साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, आप जाँच करते जाँच कराए जा रहे हैं। बोले बहुत देर उन्होंने सोचा समझा, फिर वो कहते हैं कि ऐसा है मैं ये तथ्यों की ये जो कागज लेकर आया हूँ ये आपके फर्जी तो नहीं है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। मैं कि जब अभी फ़ोन से आप बात कर सकते हो, चाहे SDM को मिला लो, चाहे तहसीलदार को मिला लो, चाहे पटवारी को मिला लो, एक साल हो गया जांच कराते हुए, अगर मेरे कागज़ फर्जी हैं तो मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट करो।